गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा है। विज ने राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा कि सारा देश देख रहा है कि राहुल गांधी सुबह उठकर देश के खिलाफ बयान देना है। हुड्डा पर बोलते हुए कहा कि हुड्डा डूबती हुई कश्ती को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां हैं, मुद्दा विहीन विपक्षी पार्टियां, अब ये देश में शांति को भंग करना चाहते। लखीमपुर की जो भी घटना या दुर्घटना हुई है, सरकार ने उसका संज्ञान लिया है, उसी जुडिशियल इंक्वायरी मार्क कर दी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुद्दा विहीन विपक्ष उसको भड़काना चाहता है, उसके ऊपर राजनीति करना चाहता है, उसके ऊपर खेलना चाहता है और हिंदुस्तान की जनता इनकी सच्चाई को पहचान चुकी है, इसीलिए वो इनकी बातों में कोई आ नहीं रहा है। पिछले काफी समय से सारा देश देख रहा है कि राहुल गांधी जी ने रोज सुबह उठ के देश के खिलाफ कोई ना कोई बयान जारी कर रहा हूं। लगता है उन्होंने अपना कोई सीक्रेट एजेंडा बना रखा है। धारा 370 खत्म करने से कश्मीर में बहुत फर्क पड़ा है और जो आतंकवादियों की घटनाएं हो रही हैं, उन पर भी पूरी निगरानी रखी जा रही है और पूरी कार्रवाई की जा रही है। अपने डूबती हुई किश्ती को बचा के रखना चाहते हैं। अब उनके MLA उनके खिलाफ बोल रहे हैं, वो उनके खिलाफ लिख के दे रहे हैं, उनके अध्यक्ष भी उनको स्थान नहीं दे रही है, तो किसी प्रकार से अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस प्रकार के कार्य।